हिंदुस्तान के जो चोर हैं वो होशियार होते हैं, सही बात है नहीं? हिंदुस्तान के चोर होशियार हैं या नहीं? है ना? जैसे ही इनको पैसा मिलता है ये और पैसा कमाना चाहते हैं, ये अपने पैसे को कैश में नहीं रखते हैं, ये अपने पैसे को रियल एस्टेट में, जमीन में, बड़ी बड़ी इमारतों में, सोने में और विदेशी बैंक अकाउंट्स में रखते हैं। मैं ये कैसे कह रहा हूं? लैंड सीलिंग एक्ट से शुरू करते हैं। इस एक्ट के अनुसार कोई भी नागरिक हरियाणा में 54 एकड़ और राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में 175 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं ले सकता। पर किसानों की जमीन का रस कुछ ऐसा है कि दामाद श्री की इतने में ही प्यास नहीं बुझती। उनके नाम पर कितनी एकड़ जमीन है उसका हिसाब ही नहीं। किसानों की जमीन पर बिल्डिंग्स खड़ी करने की योजना दिखाकर फर्जी लेन देन करते रहे। दामाद श्री का पसंदीदा हथियार है बेनामी लेन देन। इस तरह के बेनामी लेन देन कर करके इन्होंने वाड्रा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट खड़ा किया है। पर इस मॉडल का फायदा किसे हुआ है? किसानों को, गरीबों को, आपको, मुझको? अरे नहीं, दामाद श्री को। जमीन के लिए जमीन बेच देते हैं और उफ तक नहीं करते। हिंदुस्तान के चोर होशियार हैं या नहीं? है ना?